हाय दोस्तों, एक बार फिर से मैं अक्षय सिंह करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोग करंट अफेयर की क्लास को लगातार देख रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग हमारे करंट अफेयर की क्लास को या करंट अफेयर क्लास में कमेंट नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लाइक भी नहीं कर रहे हैं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आप तक या अपने तक नहीं पहुँचा पाएंगे ना जान पाएंगे। तो हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कमेंट जरूर करें कि आपको करंट अफेयर की क्लासेस कैसी लग रही हैं। ये करंट अफेयर की क्लासेस आपके लिए आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी हैं। तो आइए जुड़ते हैं देश और दुनिया की खबरों से और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका सही आंसर है 76वें सत्र का। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष चुना गया है। उनका कार्यकाल 2021-22 तक होगा। उन्होंने 193 सदस्यीय महासभा में अध्यक्ष पद के चुनाव में अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर जलमई रसूल को हराया है। चुनाव में अब्दुल्ला साहिद को 143 वोट मिले जबकि रसूल को 48 वोट ही मिल पाए थे। पश्चिम असम के रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को हाल ही में राज्य के कौन से राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 6। पश्चिम असम के रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व को हाल ही में असम के 6 राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर अधिसूचित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व में बाघ, बादलदार तेंदुआ, गोल्डन लंगूर, भारतीय गौर, एशियाई हाथी, चित्तीदार हिरण, जंगली भैंस और हॉर्नबिल सहित बहुत से अन्य प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने हाल ही में कितने आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है 112 आकांक्षी जिलों में। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने हाल ही में 20,00,000 नागरिकों को कोविड होम केयर सहायता देने के उद्देश्य से देश के 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नेतृत्व 1,000 से अधिक स्थानीय एनजीओ के साझेदारी में जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। हाल ही में किसने वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों पर एक ई पुस्तक जारी की है? तो इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में वर्ष 2020 में रक्षा मंत्रालय में किए गए 20 सुधारों पर एक ई पुस्तक जारी की है। इस ई पुस्तक में रक्षा क्षेत्र को मजबूत और अधिक सक्षम बनाने के सरकार के संकल्प का परिचायक बताया गया है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कितने करोड़ पंजीकृत यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है? तो इसका सही आंसर है 7 करोड़। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 7 करोड़ पंजीकृत यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। BSE को 6 करोड़ से 7 करोड़ यूजर तक पहुंचने में सिर्फ 139 दिन लगे हैं जबकि 5 करोड़ से 6 करोड़ यूजर तक पहुंचने में 241 दिन लगे थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज भी है। फ्रांस की अथॉरिटी ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बिजनेस में अपने मार्केट की पावर का गलत इस्तेमाल करने के लिए किस कंपनी पर जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर है गूगल। फ्रांस की अथॉरिटी ने हाल ही में गूगल के माउंटेन व्यू की कैलिफोर्निया वाली कंपनी की जांच जिसमें उसने पाया कि गूगल ने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग बिजनेस में अपने मार्केट की पावर का गलत इस्तेमाल किया है जिसके लिए अथॉरिटी ने गूगल पर 220 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। इंटरनेशनल गोल के मामले में भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री हाल ही में लियोनल मेसी को पीछे छोड़कर कौन से स्थान पर पहुंच गए? तो इसका सही आंसर है 10वें स्थान। हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 और एशिया कप 2023 के संयुक्त क्वालिफायर में पहली जीत दर्ज की है। इस मैच में सुनील छेत्री ने 79वें और 92वें मिनट में गोल किया। इसके साथ ही इंटरनेशनल मैच में 74 गोल करने के साथ सुनील छेत्री हाल ही में लियोनल मेसी को पीछे छोड़कर 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं जबकि 72 गोलों के साथ मेसी 12वें स्थान पर हैं।
महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता राम गोविंद को हाल ही में धोखाधड़ी के मामले में दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष की जेल की सजा हुई है? तो इसका सही आंसर है 7 वर्ष। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपोती आशीष लता राम गोविंद को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के डरबन की एक अदालत ने 60 लाख रैंड की धोखाधड़ी के मामले में 7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। आशीष लता राम गोविंद गांधी जी की परपोती और मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता इला गांधी और मेवा राम गोविंद की बेटी हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की करंट अफेयर की क्लास, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत ही जल्द एक बेहतरीन वीडियो के साथ हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे और मिलते हैं कल फिर से करेंगे।